नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और अब वक्त हो चला है देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों पर तेज अंदाज में नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपर फास्ट की। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 हाई लेवल बैठकें की। सुबह 9 बजे अधिकारियों, 10 बजे मुख्यमंत्री और 12:30 बजे ऑक्सीजन कंपनीज के साथ मंथन करने की मिली जानकारी। पश्चिम बंगाल की सभी रैलियां रद्द। ऑक्सीजन सप्लाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने जरूरतमंदों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने के निर्देश दिए। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी शुरू। कोविड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आरोग्य सेतु ऐप पर होगी। प्रधानमंत्री ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 मई से 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के वैक्सीन का ऐलान किया। सीएम वैक्सीनेशन रणनीति का प्लान तैयार कर रहे हैं। पंजाब में न लगेगा लॉकडाउन, न बढ़ेंगी पाबंदियां। कोरोना को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला। स्वास्थ्य मंत्री बोले, केंद्र से मिली वैक्सीन की 4 लाख डोज। नवजोत कौर सिद्धू ने फिर ट्वीट करके साधा निशाना। अस्पताल स्टाफ, वैक्सीन, ऑक्सीजन की कमी को लेकर जताई चिंता। आम जनता पर सख्त पाबंदियां लगाने और सियासतदानों को रैलियों में छूट देने के लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए लिखा ट्वीट में वेकअप इंडिया। ऐसा कि मनाकर चारीबागा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत लौटा श्रद्धालुओं का जत्था। 200 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। फिरोजपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे लोग। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन ड्राइव को रोककर दोबारा शुरू हुआ वैक्सीन लगाने का काम। पंजाब में न लॉकडाउन लगेगा, न ही पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। पंजाब सरकार की तरफ से लाए गए कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई गई। मोगा वासियों ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया उसका खुलेआम उल्लंघन किया। रात 8 बजे के बाद भी खुली रही दुकानें, ठेके खुले रहे। ठेका मालिक ने कहा, मीडिया ठेके को करती है टारगेट। कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन की अहम बैठक होगी। बैठक में वीकेंड लॉकडाउन और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा, नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कल से 6 बजे के बाद बंद होंगे बड़े बाजार। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। नई एक्साइज पॉलिसी पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जेजेपी ने अगले 2 सप्ताह तक पार्टी मुख्यालय और डिप्टी सीएम आवास को बंद रखने का किया फैसला। हरियाणा में शुक्रवार शाम 6 बजे से सभी बाजार बंद रहेंगे। करनाल के व्यापारी वर्ग ने सरकार के फैसले का किया समर्थन। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना के हालात पर प्रदेश के सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें 20 सदस्य शामिल हैं। 20 लोगों की एक टीम कांग्रेस के कंट्रोल रूम में स्थापित किए गए इस टीम के माध्यम से प्रभावितों की मदद की जाएगी। जींद में बरामद सामान्य अस्पताल से कल देर रात चोरी हुई कोरोना वैक्सीन। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पार्क से होते हुए वैक्सीन के स्टोर रूम तक जाते दिखाई दिए चोर। अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीन खत्म होने के बाद लोगों को जानकारी देने के लिए बाकायदा पोस्टर लगाए गए। वैक्सीन लगवाने आए ये कहकर घर भेजा गया। कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। जज्जर में कोरोना से बचाव के लिए डीसी ने लोगों से अपील की है कि डीसी ने कहा कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। डीसी ने बताया कि जज्जर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन सेवाएं पर्याप्त हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी, लेकिन खुलेआम प्राइवेट स्कूल इसकी धज्जियां उड़ा रहे। बच्चों की जान जोखिम में डालकर खोल रहे हैं स्कूल। कुरुक्षेत्र में गीता मनीष स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने आमजन से कोरोना से बचाव के लिए अपील की। कोरोना महामारी के बहुत तेजी से फैलने पर कहा,
कि महामारी को रोकना हराना हम सब के लिए जिम्मेदारी, हम सबको लेना होगा संकल्प। पानीपत में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएमओ के निजी अस्पतालों से बातचीत के बाद दिया गया आश्वासन। शहर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने पर बताई बात। पलवल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब दुकानदारों ने भी ग्राहकों को लेकर सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। होम आइसोलेटेड लोगों को पहुंचाई जाएगी न्यूट्रिशन किट। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। जिला उपायुक्तों को दिया अपने जिलों में नाइट कर्फ्यू या धारा 144 लगाने का अधिकार। बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए हफ्ते में 5 ही दिन खुलेंगे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर। शुक्रवार से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगे दुकानें। हिमाचल के जिला सिरमौर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला उपायुक्त ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बचत भवन में आयोजित बैठक में डीसी ने वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, होम आइसोलेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हिमाचल में 22 अप्रैल से बाजारों को खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया गया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। बहुत जरूरी सामान की दुकान 8 बजे तक खुली रहेगी। ऊना के व्यापारियों ने किया समर्थन। चंबा जिला उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दुकानें खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक किए जाने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। डेली यूज की दुकानें शनिवार और रविवार को बंद खुली रहेंगी। चंबा सदर विधायक पवन नैयर ने चंबा के मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन की टीका लगवाया। पवन नैयर ने चंबा के लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। पाकिस्तान से लौटे सिख संगत में 200 यात्री कोरोना पॉजिटिव। अमृतसर में कोरोना टेस्ट कर रही मेडिकल टीम पर संगत के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। संगत का आरोप है कि डॉक्टर जानबूझकर रिपोर्ट पॉजिटिव दिखा रहे हैं। लुधियाना में किसानों ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया। मुल्लापुर अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे थे अकाली दल अध्यक्ष। लुधियाना में किसानों ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया। मुल्लापुर अनाज मंडी में दौरे पर जा रहे सुखबीर सिंह बादल का रास्ते में चौकीमान टोल प्लाजा के पास हुआ विरोध। आम आदमी पार्टी के नेता पर हुए हमले के बाद मूगा विंग से निकाले गए पार्टी के नेता अमित पुरी ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखी। अमित ने इंसाफ की मांग की। लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की बड़ी मुश्किल। 30,000 कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए इजाजत दीप सिद्धू के वॉइस सैंपल लेने की। एसजीपीसी की प्रधान बीबी जगीर कौर पत्रकारों से हुई मुखातिब। उन्होंने एसजीपीसी की बैठक में फैसलों की जानकारी दी जिसमें 400 साला प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां के बारे में चर्चा की गई। श्रीनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व के समागम को लेकर तैयारियां कर ली हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के सामने ग्राउंड में बड़ा वाटरप्रूफ टेंट लगाया जा रहा है। कोरोना के चलते पंजाब सरकार ये समागम कैसे करेगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। समागम 29, 30 और 1 मई को होना है। हालांकि पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने बताया कि सीएम कैप्टन के साथ एक मीटिंग होनी है, वहीं तय होगा कि आगे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी। डीएसजीएमसी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सरना ने कहा कि दिल्ली में चुनाव से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य है जरूरी। ऐसे समय में चुनाव कराना सही नहीं। हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन सरकार को जल्द से जल्द चुनाव की अगली तारीख का भी ऐलान करना चाहिए। सरकार को 9 मई को चुनाव करवा देने चाहिए। सोनीपत के राई रेस्ट हाउस में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ से बैरिकेडिंग हटाने पर सरकार सहमत। इमरजेंसी सेवाओं के लिए मुख्य सड़क का हिस्सा खोलने किसान सहमत। ऑक्सीजन और वैक्सीन सप्लाई एम्बुलेंस आवाजाही में कोई दिक्कत पेश ना आए किसान नेता गुरनाम सिंह टंडूर ने कहा। रास्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किया गया है, उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में हरियाणा पुलिस जनरल 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किया। सिरसा अनाज मंडी में सब यार्ड और खरीद केंद्रों पर 4,72,763 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है जबकि 2,25,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। अगले हफ्ते तक लिफ्टिंग में और तेजी लाने की बात कही जा रही है। यमुनानगर में सरकारी अधिकारियों की रेगी कर रहे वैध खनन माफिया। सी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है जानकारी।
डब्बाली मार्केट कमेटी ने 21 आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया। जिला खाद्य आपूर्ति विधायक सुरेंद्र सैन ने बताया किसानों के गेहूं की तोल में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बड़े हेलीकॉप्टर के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पुराने हेलीकॉप्टर की लीज खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद अब नया हेलीकॉप्टर 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर के नए हेलीकॉप्टर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सीएम के नए उड़न खटोले से जनता की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। यूथ अकाली दल ने कैप्टन सरकार की तरफ से लगाए गए स्मार्ट कार्ड से जुड़े होर्डिंग्स लगाए जाने के विरोध में श्री गुरु रविदास चौक पर प्रदर्शन किया। मानसा के भिखी अनाज मंडी में बारदाना और लिफ्टिंग की समस्या। भारतीय किसान यूनियन जकौंदा ने अनाज मंडी के बाहर धरना लगाकर प्रदर्शन किया। मंडी में बारदाना उपलब्ध कराने तथा लिफ्टिंग कराने की मांग की गई। बठिंडा के मुक्तसर साहिब रोड गांव दियोन के किसानों ने मंडी में बारदाना की कमी, फसल को उठान न होने के चलते सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वक्त रहते हालात संभलने की अपील की। किसानों की मांग है कि बारदाने की व्यवस्था जल्द की जाए और खरीद हुए गेहूं का उठान हो। बारदाने की कमी, फसल से भुगतान में हो रही देरी से नाराज किसानों ने भवानीगढ़ एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। मानसा के कस्बा झुनीर अनाज मंडी में बारदाने की समस्या का हल नहीं होने पर किसानों और महिलाओं ने बरनाला सिरसा मुख्य मार्ग पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया। यमुनानगर में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से जुड़े आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर मंडी गेट के सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सिरसा में स्कूल कॉलेज बंद किए जाने के खिलाफ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में निजी स्कूलों की तरफ से वार्षिक शुल्क वसूल किए जाने के विरोध में अभिभावकों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिला फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने दुकान पर लगे बीजेपी के झंडे को उतारने का आरोप लगाया दो युवकों पर। पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी पीआरटीसी के ड्राइवर और एक कार चालक में भिड़ंत हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पटियाला बस डिपो के ड्राइवर्स ने बस स्टैंड के अंदर पुलिस के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। संगरूर के दड़बा में एक शेलर में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। विजिलेंस को शेलर में अनाज घोटाला की शिकायत मिली थी। टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। अमृतसर के बीओपी रोड़ावाला पर बीएसएफ ने एक कबूतर पकड़ा जिसके पैर में 9 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ था। बीएसएफ के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन कहानगढ़ को एक पत्र लिखकर जानकारी दी और मामले की तफ्तीश की जाने की मांग। बठिंडा केंद्रीय जेल से ए कैटेगरी के गैंगस्टर नवदीप चड्डा को स्वास्थ्य जांच के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल लाया गया। जांच के बाद वापस उसे जेल ले जाया गया। कोटकपुरा के ओल्ड काला राम स्ट्रीट से घर के बाहर एक मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चरखी दादरी के गांव मंदौली निवासी संदीप ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर खुदकुशी कर ली। युवक ने 7 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने अपनी प्रेमिका को खुदकुशी की वजह बताया। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि कलियाना गांव की एक महिला के साथ उसका अफेयर था जिसे उसने 5,70,000 रुपए और गहने दिए, लेकिन महिला के परिजन उस पर 10,00,000 रुपए देने का दबाव बना रहे थे। पैसा नहीं देने की सूरत में रेप करने का मामला दर्ज कराने की धमकी भी दे रहे थे। पानीपत के काबड़ी रोड स्थित गैस गोदाम के पास प्रिंस टेक्सटाइल कंपनी में काम करते वक्त मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। मशीन में लेप लगाते वक्त मजदूर का हाथ मशीन में चढ़ गया जिससे उसे गहरी चोट आई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सिरसा के डीसी कॉलोनी में बाइक सवार दो युवक स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनकर फरार। महिला ने शोर मचाया लेकिन युवक भागने में कामयाब। बारामूला में 3 लोगों ने हथियार के दम पर बैंक लूट की घटना को दिया अंजाम। तीनों ने पीपी किट पहनी हुई थी। लुटेरों ने करीब 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पठानकोट के मजदूर बोधराज ने पंजाब स्टेट डेयर 100 साप्ताहिक लॉटरी का पहला इनाम जीता है। बोधराज ने 1 करोड़ रुपए का पहला इनाम जीता है। सिरसा में 38 प्राइमरी और 1 मिडिल स्कूल को मर्ज करने की तैयारी। संबंधित स्कूलों में छात्रों और टीचर्स की कम संख्या होने के चलते लिया गया फैसला।
हरियाणा में धूल भरी तेज हवाओं का सिलसिला जारी, 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। HAU मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया। बारिश और बर्फबारी के चलते मनाली लेह नेशनल हाईवे से जुड़े कई रूट्स बंद। अमरनाथ यात्रा के लिए कोरोना के मद्देनजर नई रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गए हैं। 28 जून से 22 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 9,742 मामले आए सामने, 55 मौतें हुई। हरियाणा में 3,583 एक्टिव केसेस।